हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बताया, आज ये वेडनेसडे और आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि इंडियन पॉलिटिक है, अपन डिस्कस करने वाले हैं। एज यूजुअल क्वेश्चंस की फॉर्म में होंगे, लेकिन आज काफ़ी आपको पॉलिटिक के बारे में अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो कि आज अपन डिस्कस करने वाले हैं और जो आपके पेपर के लिए और आपके डेली लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको बेसिक उसके सभी कुछ पता होने चाहिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन लोकसभा ऑफ इंडिया द लीडर ऑफ द हाउस इज नॉमिनेटेड बाय। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा में लीडर ऑफ द हाउस होता है, तो उसको नॉमिनेट कौन करता है, लोकसभा का नेता किसके द्वारा नॉमिनेट होता है, ये आपका सवाल है। उम्मीद है सभी को इसके बारे में कुछ ना कुछ पता होगा, और यहाँ पे जो आंसर आने लगते हैं वो काफ़ी बी सी डी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं फेसबुक पे। और देखिए फ्रेंड्स, का जो सही आंसर होगा वो इसका सी सही आंसर होगा, पीएम। ओके, आपको पता होगा कि जो लीडर ऑफ द हाउस होता है उसका मतलब ही क्या होता है, पीएम। ठीक है, जब अपन बोलते हैं लीडर ऑफ द हाउस, इसका मतलब ही क्या कौन होता है, पीएम होता है। हालांकि अगर पीएम चाहे, अगर पीएम की विल है कि कोई दूसरे मेंबर को अगर वो लीडर ऑफ द हाउस बनाना चाहता है तो वो बना सकता है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है, तो इसलिए क्या बोल सकते हैं अपन, ठीक है। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे बी आंसर किया है, बहुत लोगों का आंसर यहाँ पे गलत है, ठीक है, बहुत लोगों का, ऑलमोस्ट 80% लोगों का यहाँ पे आंसर गलत है, और यहाँ पे पीएम इसका आंसर होगा, क्योंकि लीडर ऑफ द हाउस पीएम ही होते हैं, और अगर पीएम किसी और को नॉमिनेट करना चाहे और एज ए लीडर ऑफ द हाउस तो वो कर सकते हैं, ठीक है। राइट नाउ कौन लोगों का गलत है। पहला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कमिटी वॉज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1986 टू रिविटलाइज पंचायत राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। तो जैसा कि आपको पता है कि 1986 में भारत सरकार द्वारा समिति की नियुक्ति पंचायत राज संस्थानों में पुनर्जीवित डालने हेतु की गई थी, जिससे कि लोकतंत्र का विकास हो सके। तो आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज आज तक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के ऊपर बन चुकी है, कई बार अपन इसको डिस्कस कर चुके हैं। मेरे हमेशा आपको पंचायत राज इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए हमेशा पॉलिटी में मैं कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिलती रहे पंचायती राज से, ठीक है। और यहाँ पे सी लोगों ने आंसर किया है। देखिए, जो डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज आज तक बनी है, वो जैसे सबसे पहली कमिटी कौन सी थी, बलवंत राय मेहता कमिटी, ठीक है, 1957 में इसको बनाया गया। उसके बाद में कृष्णामाचारी कमिटी बनाई गई 1960 के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट जैन सोसाइटी बनाई, जैन स्टडी ग्रुप बनाया गया 1966 के अंदर। उसके बाद में अशोक मेहता कमेटी बनाई गई, ये बनाई गई थी आई गेस 1977 में। उसके बाद में राव कमेटी बनाई गई। उसके बाद में लास्ट सिंघवी कमेटी बनाई गई 1986 के अंदर, ठीक है। और काफ़ी लोगों ने जो यहाँ पे आंसर है, ये वाला भी क्वेश्चन लोगों का गलत है, 80% या 90% यहाँ पे लोगों ने गलत आंसर दिया है, क्योंकि इसका जो आंसर होगा वो सिंघवी आंसर होगा। एलएम सिंघवी कमेटी बनाई गई थी 1986 के अंदर, मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा भी है सिंघवी कमेटी 1986 के अंदर, जो कि लास्ट कमेटी सेटअप करी गई थी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को वापस से रिविटलाइज करने को लेकर। ओके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लूप होल से कमियाँ थी जो कि इसके अंदर पाई गई थी, इसीलिए इसको वापस से बनाया गया और वापस से इसके अंदर काफ़ी चेंजेस करे गए उस टाइम के ऊपर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सेल्फ गवर्नेंस को लेकर और पार्टिसिपेशन लोगों का इंक्रीज हो रूरल लेवल के ऊपर, इसीलिए इसको सेटअप किया गया था। और श्री हरी जी का आंसर सही है, बाकी मेजरली यहाँ पे लोगों का आंसर गलत है। ओके, हरीश कुमार जी इन लोगों का भी सही है। देखते हैं, जैसे कि आपको पता है ये स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा PRI का इंडिया के अंदर, ठीक है, जिला परिषद, उसके नीचे पंचायत समिति, उसके नीचे ग्राम पंचायत। तो सब बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, लाइफ में कभी आपको ये चीज़ भूलनी नहीं है। ओके, कि सबसे नीचे ग्राम पंचायत होती है, उसके बाद पंचायत समिति होती है, उसके बाद जिला परिषद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट द पार्लियामेंट कैन क्रिएट ए न्यू ऑल इंडिया सर्विस इफ ए रेजोल्यूशन इज पास बाय द राज्यसभा। यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद एक अखिल भारतीय सेवा का संगठन कर सकती है यदि राज्यसभा के द्वारा अनुमोदन पारित कर दिया जाए तो। ओके, जैसे कि आपको पता होगा कि ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज की जब अपन बात करते हैं, जैसे कि IAS है, IPS है, ओके, तो ऐसी एक नई सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज को लेकर राज्यसभा के पास में पावर्स है। सबसे पहले तो राज्यसभा के पास में इसको लेकर पावर्स है, ठीक है।
और सुरेंद्र कुमार जी ने पूछा कि कमेटी का पर्पज क्या होता है, तो कमेटी का पर्पज जो फ्रेंड होता है वो किसी ना किसी चीज को बेहतर करने के लिए होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स अभी इंडिया का अच्छा नहीं चल रहा है, तो स्पोर्ट्स पे एक कमेटी बना दी जाएगी ताकि वो देख सके कि ये इसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी क्यों नहीं है और कौन कौन से सजेशंस हैं जो कि गवर्नमेंट को दिए जा सकते हैं जिससे वो जो स्पोर्ट्स है वो इंक्रीज हो जाए, उसका जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए इसको किया जाता है। तो कमेटी क्या करती है, प्रपोजल भेजती है आगे उस किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे 312 लोगों ने, काफ़ी लोगों ने इसका आंसर सही दिया है और बिल्कुल सही है फ्रेंड, 312 ही इसका आंसर है। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे कि काफ़ी टाइम से AIJS की बात चल रही है, ओके, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की, आपको पता होगा अभी जो जुडिशियल सर्विसेज का जो सबसे बड़ा पेपर होता है, ओके, वो क्या होता है, स्टेट का ही पेपर होता है, जैसे कि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज, गुजरात जुडिशियल सर्विसेज, हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज, ठीक है, लेकिन अभी इंडिया के लेवल पे कोई पेपर नहीं होता। तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का भी बात चल रही है जो कि राज्यसभा के पास में पावर है, आर्टिकल 312 वहाँ पे यूज होता है। इसके अलावा यहाँ पे 315, 320 ये भी आर्टिकल लिखे हुए हैं, तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सिंपल सी आपको बात ध्यान रखनी है, आर्टिकल 315 से लेकर 323 जो है वो पार्ट 14 के अंदर आते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके अंदर PSCs को लेकर बातें करी गई है, जो स्टेट पब्लिक जो सर्विसेज हैं उसको लेके बात करी गई है। ठीक है, तो आपको 315 से 323 तक के तो ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में 345 की बात की जाए तो इसके अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज मेंशन है, ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर ये किसी भी स्टेट की जो लैंग्वेज होती है उसको लेकर ये मेंशन है। ठीक है, तो उम्मीद है कि चारों आर्टिकल आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 312 के बारे में और भी कुछ यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये पार्ट 6 के अंदर में है, ओके, काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि जो राज्यसभा है उसका ये मैटर है जो कि रेजोल्यूशन डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी यहाँ पे मेंबर्स की चाहिए उसको पास करने के लिए, और कोई भी क्रिएशन कर सकती है वो वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, जैसे कि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया AIJS को लेकर, हालांकि काफी सालों से ये पेंडिंग पड़ा है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेट अप इन इंडिया इन द ईयर 9 इन द ईयर 1687, यानी कि भारत में वर्ष 1687 में स्थापित पहली नगर निगम निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो देखिए जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंडिया में पहली बार कहाँ सेटअप करी गई, कौन सी सेटअप करी गई, किसके अंडर सेटअप करी गई, ये सभी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और दीप डिलन जी ने बोला है कि जितनी भी कमिटीज है उसके बारे में बता दो, तो दीप डिलन जी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए जिससे कई सारे जो इंपॉर्टेंट कमिटीज है उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेंगे उस वीडियो के अंदर। ठीक है, और फूड इंस्पेक्टर के लिए GK पूछ रही है मंजीत जी, तो मंजीत जी जो फूड इंस्पेक्टर के लिए जो GK है, जो अपन GK पढ़ रहे हैं इससे थोड़ा नीचे का लेवल ही है, तो अगर आप ये कर लेंगे तो इससे आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी वैसे भी। तो और यहाँ पे देखिए काफ़ी लोगों ने जो आंसर दिया है वो ए और बी आंसर दिया है। ठीक है, ए और बी यहाँ पे लोगों ने आंसर किया है, तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो ए इसका सही आंसर होगा, मैड्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये सबसे पहला सेटअप किया गया था 1687 के अंदर। ओके, देखिए जब अपन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो मद्रास के बाद में बॉम्बे को सेटअप किया गया, उसके बाद में दिल्ली को सेटअप किया गया, एक डे की बात करते हैं 28, ठीक है, 28 सितंबर, ओके, 28 सितंबर 1687 को एक डायनामिक और एक डोमिनेटिंग चेयरमैन थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है, सर, उनका नाम था सर जोसेफ चाइल्ड, उन्होंने डिटेल दी कि अपन को क्या बनाना चाहिए, मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाना चाहिए। ओके, तो कुल मिला के जो नाम था जिन्होंने सेटअप किया था वो सर जोसेफ चाइल्ड था, जिन्होंने मद्रास कॉर्पोरेशन को लेकर बनाने की बात करी। उसके बाद में 29 सितंबर को, ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन था उस टाइम पे, क्योंकि दुनिया में सेकंड टाइम ऐसा हो रहा था कहीं पर कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेटअप की जा रही है। ओके, उसके बाद में 1688 के अंदर उसको इनॉग्रेशन किया गया, वहाँ पे मेयर बनाए गए, और जो मेयर बनाए गए थे वो अमेरिकन बॉर्न इंग्लिश मैन थे, उनका नाम था हैंगिनसन। ओके, जो यहाँ पे मेयर बनाए गए थे, जैसे कि आपको पता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर होता है, आज भी होते हैं, ठीक है, तो हैंगिनसन वो पहले मेयर थे जो कि वहाँ पे बनाए गए थे, और ये सेकेंड ओल्डेस्ट सच बॉडी थी दुनिया के अंदर। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और फ्यूचर में यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, और साथ में आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आता होगा, उम्मीद है, जैसे कि आप जिस जगह पर रहते हैं और वहाँ पे आपको पता होगा कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके नीचे डिविजन्स होती है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट होती है, जिला परिषद जिसको अपन कहते हैं, उसके नीचे देखिए ब्लॉक,
उसके बाद में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपैलिटी और सिटी काउंसिल, इस तरीके से डिवीजन होता है किसका, एक जिला परिषद का। ठीक है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है जिसको अपन महानगर पालिका बोलते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उसके बाद में म्यूनसिपैलिटी होती है जिसको अपन नगर पालिका बोलते हैं, और सिटी काउंसिल होती है जिसको अपन नगर पंचायत कहते हैं। ठीक है, सबके अपने अपने फंक्शंस हैं और उम्मीद है कि आप अपने एरिया के अंदर भी इन सभी को समझते होंगे इनका काम। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे प्रशांत जी पूछ रहे हैं कि IBACIO के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आईबी के लिए, कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर जो इंपॉर्टेंट वॉर्स हुई है, जो यूरोपियन वॉर्स हुई है, जो हिटलर को लेके जो वॉर्स हुई है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ओके, जो इटली को मुसोलिनी और जो बड़े बड़े उस टाइम पे रूलर थे उनकी जो वॉर हुई है वो आप पढ़ लीजिए, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर योर आईबी एग्जाम। ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बस इंपॉर्टेंट वॉर पढ़ लीजिए वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, फ्रेंच रिवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यहाँ पे लोगों ने आंसर जो दिया है वो डिफरेंट डिफरेंट आंसर दिया है, मेजरली जो आंसर आया है वो यहाँ पे बी आंसर आया है। ओके, और यहाँ पे जो सही आंसर है वो है सी, 7। देखिए 7 लोगों की वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन की। देखिए जब अपन ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और एक मूवी की तरह मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको हमेशा की तरह इसको याद रहे कि कैसे अपने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का सेटअप हुआ था। देखिए सबसे पहले जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का, ठीक है, सबसे पहले जो आइडिया था वो किसका आइडिया था, ये M.N. रॉय का, कि अपने देश के अंदर क्या होनी चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये नाम ध्यान रखना है M.N. रॉय। ओके, 1934 के इन्होंने कहा कि अपने देश के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होनी चाहिए। उसके बाद में INC जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उन्होंने 1935 के अंदर इसको एक्सेप्ट कर लिया कि बिल्कुल सही बात है, अपने देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होनी चाहिए। और राजगोपालाचारी थे जिन्होंने इसकी आवाज़ उठाई। उसके बाद में 1939 में ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, हम आपके देश के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बना देंगे। ओके, उसके बाद में जब हो गया तो 1940 के अंदर एक लिनिंदगो ऑफर आया था, अगस्त ऑफर जिसको अपन कहते हैं। तो लिनिंदगो ने क्या कहा था कि ठीक है, हम आपकी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बना देंगे, एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल भी बना देंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद में कई साल बीत गए, कुछ ऐसा हुआ नहीं कि कुछ आगे स्टेप बढ़ा। लेकिन जब कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 के अंदर, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 के अंदर, तो उस टाइम पे क्या हुआ, पहली बार कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई गई। ठीक है, और वहाँ पे इलेक्शन कराए गए। जब इलेक्शन हुए तो उस टाइम पे नियर बाय जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो अपनी स्ट्रेंथ थी वो 389 लोगों की स्ट्रेंथ थी। ठीक है, जिसमें से 292 तो समवेयर स्टेट के लोग थे, 93 प्रिंसली स्टेट के लोग थे और कमिश्नर थे 4-5, तो ऐसे करके 389 की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली अपनी सेटअप की गई थी। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस था जो कि उस टाइम पे हुआ था, जो कि आपको ध्यान रखना है। आइडिया M.N. रॉय का, राजगोपालाचारी INC, उसके बाद में ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट किया और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बाद में अपनी क्या किया, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली सेटअप करी गई 1946 के बाद में। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जब सेटअप करी गई तो 23 कमिटीज बनाई गई, माइनर और मेजर मिला के 23 कमिटी बनाई गई। उसमें से एक जो इंपॉर्टेंट कमिटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमिटी। ये नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 कमिटी में से जो इंपॉर्टेंट कमिटी बनाई गई वो ड्राफ्टिंग कमिटी बनाई गई 29 अगस्त 1947 को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ B.R. अंबेडकर। अंबेडकर साहब की चेयरमैनशिप के अंदर इसको बनाया गया। और भी जो लोग थे 6+1, ठीक है, एक तो हो गए अंबेडकर साहब चेयरमैन, और जो 6 लोग बाकी थे वो थे M.N. मुंशी, ओके, उसके अलावा अलादी कृष्णा स्वामी, उसके अलावा गोपाल स्वामी, उसके अलावा मिल्टर, ओके, उसके अलावा सादुल्ला और खेतान, ये 6 नाम थे, और प्लस B.R. अंबेडकर आपको पता ही है, तो ये 7 लोग थे जो कि उस कमेटी के अंदर थे। आप देख सकते हैं कई इंपॉर्टेंट कमिटीज़ के जो चेयरमैन थे, ये भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सभी पेपर के लिए। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड B.R. अंबेडकर, फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी पटेल साहब, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन पटेल जी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन नेहरू जी, यूनियन पावर नेहरू जी, फ्लैग कृपलानी जी, और स्टीयरिंग कमेटी M.N. मुंशी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं और ये उनके हेड है, अभी एक स्टूडेंट ने पूछा भी था। ठीक है, और बिल्कुल सही कहा है यहाँ पर नितिन रमन जी ने कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, अगस्त ऑफर में उन्होंने कहा था कि वॉर में
पार्टिसिपेट करो, हम कमेटी बना देंगे, लेकिन ये जवाहरलाल नेहरू ने एक्सेप्ट नहीं किया था। ओके, तो उम्मीद है कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा और आपको पता होगा कि एक एडवाइजर भी अपॉइंट करे गए थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, वो कौन थे? बी एन राव, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। बाद में ये फर्स्ट इंडियन भी बने थे जो कि ICJ के अंदर जज थे 1950 के अंदर, ठीक है। ये अपने एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, और अपने को संविधान बनाने में बहुत टाइम लग गया था, आपको पता ही है, 17 दिन लग गए थे, 6 करोड़ के आसपास रुपए खर्च हो गए थे, और अपन ने जो बनाया था वो 22 पार्ट बनाए थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, 395 आर्टिकल्स बनाए थे और 8 शेड्यूल्स बनाए थे, ठीक है। उम्मीद है ये सब इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी। बिल्कुल सही है, सुरेंद्र जी ने कहा कि 299 बचे थे जो आफ्टर पाकिस्तान के अंदर डिवीजन हो गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म ऑफ द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज, यानी जो कैग है उसका टर्म कितना होता है, टेन्योर कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कैग के बारे में कई बार अपन मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, ठीक है। कैग के बारे में कई बार इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं दे चुका हूँ आपको, और यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है ना वो ये ध्यान रखना जरूरी है। पहले तो आर्टिकल कौन सा है जिसमें कैग मेंशन है, आर्टिकल 148 है, ठीक है। पार्ट कौन सा है, पार्ट 5th है, और चैप्टर कौन सा है, चैप्टर भी 5th है, ठीक है। ये सब आपके लिए पहले तो ये आपको ध्यान रखना है कैग के बारे में। उसके बारे में कैग का काम तो आपको पता ही है, कई बार अपन डिस्कस कर चुके हैं, ऑडिट करना रिसेप्ट को, एक्सपेंडिचर को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, जितनी भी बॉडीज है जहाँ पे गवर्नमेंट की 51% स्टेक है उन सभी को वो ऑडिट कर सकता है। उसके बाद में जो रिपोर्ट जाती है वो पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास में जाती है, ठीक है, या फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, दोनों के पास में ये रिपोर्ट जाती है, ठीक है। और बिल्कुल सही है, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे सही आंसर दिया है, 65 एज पहले हो जाए तो यहाँ पे जो आंसर है वो 6 इसका आंसर होगा, सी इसका आंसर होगा, 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स, ठीक है। ये इसका प्रावधान है जो इसका टेन्योर है कैग का। राइट नाउ कैग कौन है ये भी आपको बता होना चाहिए, राइट नाउ कौन है, शशिकांत शर्मा, ठीक है। शशिकांत शर्मा कौन है अभी, राइट नाउ करंटली कैग है, और कुछ टाइम के बाद में राजीव महर्षि, ओके, जो कि राजस्थान कैडर के IAS ऑफिसर है, राजीव महर्षि वो बनने वाले हैं कैग के हैं, ठीक है, वो बनने वाले हैं कैग, ये भी आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। अभी राइट नाउ जो शशिकांत शर्मा ये 12th कैग है, 12वें कैग है, और कैग की जो रैंक है ना ये भी कौन सी 9th रैंक के ऊपर आता है टेबल ऑफ प्रोसीजर में, यानी कि जो इनका स्टेटस है वो सेम वैसा ही स्टेटस है जैसे कि जज के स्टेटस होता है, ओके, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका स्टेटस होता है, तो उसी के बराबर है ये, ठीक है। तो उम्मीद है सभी के बारे में आपको पता होगा। और कैग के बारे में फुल फॉर्म पूछ रहे अनिकेत आनंद जी, तो कैग की फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। आप देख सकते हैं कैग के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपन ने सभी को शेयर कर ली है। उम्मीद है कि आपको कैग के बारे में सभी कुछ पता चल गया होगा। 1,00,000 एम्प्लॉयज अक्रॉस इंडिया कैग के डिपार्टमेंट के अंडर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अमोंग 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक सिंपल सा सवाल है और जो कि आपको याद रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में से नहीं है। तो फंडामेंटल राइट्स कौन सा इनमें से नहीं है ये आपको बताना है। देखिए फंडामेंटल राइट्स जो आसानी से याद कर सकते हो आप, ओके, तो इजीली आपको याद करना है, बहुत ही आसान है। 6 राइट्स हैं जो कि अवेलेबल है आपके पास में और हमेशा आपको याद रखना है। इसमें जो आंसर होगा वो बी आपका आंसर होगा, ठीक है। बिल्कुल सही कहा यहाँ पे प्रिया रंजन जी ने, और नागराजू ने भी बिल्कुल सही कहा कि राजीव महेश जी, सर राजीव महेश जी को अपॉइंट कर दिया गया है लेकिन अभी उन्होंने डिपार्टमेंट है उन्होंने हैंडल नहीं किया है, ठीक है। जो अपने नए तो इलेक्शन कमिश्नर भी बनने वाले हैं और साथ में नए कैग भी बनने वाले हैं, लेकिन दोनों ने अभी डिपार्टमेंट को प्रॉपरली अभी वहाँ पे इंटू नहीं हुए हैं वो। और यहाँ पे जो आंसर है वो बी, लोगों ने सभी ने आंसर सही किया है, बहुत ही सिंपल आंसर था, क्योंकि ये आपके 6 फंडामेंटल राइट्स है, इक्वलिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजियस, कल्चरल एजुकेशन और रेमेडीज। तो कुल मिला के आप EF, ठीक है, ER और CR, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको, EF ER CR, ठीक है। EF का मतलब क्या है, इक्वलिटी फ्रीडम, और वापस ER का मतलब क्या है, एक्सप्लॉयटेशन और रिलीजन, और उसके बाद में कल्चर और साथ में रेमेडीज, ठीक है। तो अगर आप इससे याद रखेंगे तो आप हमेशा के लिए याद रख पाएंगे कि किस ऑर्डर के अंदर अपना फंडामेंटल राइट्स मेंशन है,
ठीक है, इक्वलिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन और साथ में कल्चर एंड रेमेडीज, ठीक है। और यहाँ पर अनिकेत जी बोल रहे हैं कि रोहिंग्या मुस्लिम्स के बारे में डिस्कस करते हो। अनिकेत जी, आप वाईफाई स्टडी के चैनल में जाके एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है रोहिंग्या मुस्लिम और जो क्राइसिस है इसको लेकर, तो आप वो कंप्लीट वीडियो स्पेसिफिकली इसी टॉपिक के ऊपर है, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। उमेश कुमार जी आंसर सही दीजिए, नाम आपका भी आएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल एंश्योर्स अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा गया है आपसे अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स को लेकर, ठीक है, कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन है। आपको पता होगा कि अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर टाइटल लेने को लेके मना कर रखा है कि कोई भी टाइटल नहीं ले सकते हो आप, मिलिट्री या एकेडमिक डिस्टिंक्शन नहीं ले सकते हो, कोई स्टेट दे नहीं सकता है, ठीक है। कोई भी इंडिया का जो सिटीजन होगा वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता टाइटल किसी फॉरेन स्टेट के साथ में। अगर कोई भारत का सिटीजन नहीं है और वो इंडिया के अंदर काम कर रहा है तब भी वो टाइटल नहीं ले सकता, उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये सब पता होगा और यहाँ पर जो सही आंसर होगा, ठीक है, वो भी आपको पता होगा। ओके, आर्टिकल 28 आपके बारे में, 18 के बारे में आपको सभी को पता होगा, आर्टिकल 18 इसका आंसर है, ठीक है। और यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी के बारे में पूछ रहे हैं उमेश कुमार जी, तो राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंदर आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। राइट टू लाइफ जिसको अपन कहते हैं उसी के अंदर राइट टू प्राइवेसी है। और देखिए, अबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स की जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स मेंशन है। पहले में तो कि कोई भी स्टेट आपको टाइटल नहीं देगा, दूसरा आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते किसी फॉरेन स्टेट से, तीसरा जो कि मैंने अभी आपको बताया अगर आप देश के सिटीजन नहीं है और देश के अंदर काम करते हैं तब भी आपको प्रेसिडेंट से पहले कंसर्न करना पड़ेगा, और फोर्थ भी सेम ही है, ठीक है। और बात की जाए टाइटल्स की तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो जैसे कि मिडाइवल इंडिया के अंदर राय बहादुर, सवाई, राय साहब, जमींदार, ओके, तालुकदार, ये सब क्या थे, टाइटल्स थे जो कि ब्रिटिश इंडिया और मिडिवल इंडिया के टाइम पे थे, लेकिन इनको अबॉलिश कर दिया गया आर्टिकल 18 के तहत, ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो भारत रत्न है, पद्म भूषण है, ये सब भी तो टाइटल है, तो फ्रेंड ये सब टाइटल नहीं, ये सब ऑनर है, ठीक है, ये सब ऑनर है जो कि दिए जाते हैं। हालांकि इसको लेके केस भी हुआ था 1977 के अंदर, इनको बंद कर दिया गया, 1980 के अंदर इनको वापस से स्टार्ट भी किया गया था भारत जो टाइटल्स हैं, जो ऑनर्स हैं इन सभी को, क्योंकि उस टाइम पे केस हो गया था कि इन सबको टाइटल बताया गया था, लेकिन जब कोर्ट के अंदर बात गई तो कोर्ट ने इसको रूल को हटाया कि भाई ये जो ऑनर्स है ये बेसिकली ये टाइटल्स नहीं है, तो टाइटल में आप इनको इंक्लूड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि काफ़ी सब लोगों को इसके बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है एक्ट वो कब भारत के अंदर लागू हुआ ये आपको बताना है। आरटीआई के बारे में, आरटीई के बारे में, ये सभी के बारे में आपको फ्रेंड्स बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इफ़ यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको इन सब के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आपकी डेली लाइफ में भी बहुत काम आती है और आपके लाइफ में फ्यूचर में भी बहुत काम आएगी ये सब चीज़ें, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको उसके बारे में पता होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन कब लागू हुआ है, ओके। देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है पार्लियामेंट का, ये प्रैक्टिकल एक तरीका है इन्फॉर्मेशन लेने का, देश के सिटीजन क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ओके, किसे, गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के जो काम है, जो उनकी पॉलिसीज है, और 30 दिन का टाइम होता है जो कि दिया जाता है, ठीक है। 30 दिन का टाइम है जो कि दिया जाता है आंसर करने के लिए, और यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 12 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर 2005 को राइट टू इन्फॉर्मेशन एग्जिस्टेंस में आ गया था, फोर्स में आ गया था, ओके। ऑफिशियल सीरीज एक्ट 1923 के तहत पहले रिस्ट्रिक्शन किया हुआ था, ओके, कि आप ये सब नहीं ले सकते हो, लेकिन बाद में पार्लियामेंट ने लॉ पास किया 15 जून 2005 को और 12 अक्टूबर 2005 को ये फोर्स में आ गया। पहली एप्लीकेशन जो कि दी गई थी वो पुणे पुलिस स्टेशन के अंदर दी गई थी, ठीक है, इसको तहत। तो उम्मीद है कि ये सब आपको समझ में आया होगा और फ्यूचर में आपके बहुत काम आएगा। और यहाँ पर प्रशांत यादव जी पूछ रहे हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, तो देखिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि आपने कोई ऐसा ऑफिस बना रखा है जहाँ से आपको प्रॉफिट गेन हो रहा है, जहाँ से आपको बिजनेस मिल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एमपी है और उसने कोई बिजनेस भी अपना ओपन कर रखा है जहाँ से उसको इनकम हो रही है, तो वो उसका एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है जो कि अलाउ नहीं है रखने को लेकर, क्योंकि अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बना रखे हो तो इसका मतलब है आपका वहाँ से प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट जनरेट हो रहा है यानी कि आप वहाँ पे काम कर रहे हो और अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे हो, इसीलिए ये अलाउ नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, माई राइट, माई माइट, द राइट टू नो, ओके। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं,
आर्टिकल 44 इज रिलेटेड टू. तो आर्टिकल 44 को लेके काफ़ी पिछले टाइम से इश्यू चल रहा है, इसीलिए उम्मीद है कि आपको इसके बारे में पता होगा. ओके और कपिल जी पूछ रहे हैं कि एसएससी सीजीएल में कितने डेप्थ में जाना पड़ेगा. तो देखिए एसएससी सीजीएल के लिए जो अपन जीके पढ़ रहे हैं पिछले 3 महीने से लगातार अपन जीके के टॉपिक्स को कवर अप कर रहे हैं, तो आप ये वीडियोस देख लीजिए, आपको कोई भी बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. और अगर आपको इनिशियली जीरो से स्टार्ट करना है तो आप वाईफाई स्टडी की पेन ड्राइव भी ले सकते हैं, जहां से आपको कंप्लीट जीएस का सोल्यूशन मिल जाएगा. ओके और यहां पे देखिए जो आंसर होगा वो ए इसका आंसर होगा, काफी लोगों ने इसका आंसर सही किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स. तो देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपको पता होगा, देश के अंदर डिबेट चल रही है बहुत बड़ा कि जो पर्सनल लॉज है जो कि पुराने कस्टम के ऊपर बेस्ड है, रिलीजन कम्युनिटी के ऊपर बेस्ड है, उनको हटा के एक अपना जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है आर्टिकल 44, ठीक है, जो बोलता है देश के अंदर समान कानून लागू हो, उसको लेकर है. ये जो इश्यू उठा था वो शाहबानो केस से उठा था, आपको पता होगा शाहबानो केस के बारे में, ठीक है. शाहबानो केस 1985 के अंदर पॉलीगैमी को लेकर बनाया गया था, शरिया लॉ को लेकर बनाया गया था, डिबेट हुई थी मुस्लिम पर्सनल लॉ के ऊपर कि यूनिलेटरल डिवोर्स को लेकर, पॉलीगैमी को लेकर, ओके ये सब नहीं होना चाहिए, शरिया लॉ के अंदर प्रोहिबिट कर देना चाहिए इन सभी चीज़ों को. और पर्सनल लॉज देखिए देश में कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने जब बनाए थे वो इसलिए बनाए थे ताकि हिंदू और मुस्लिम दोनों को वो खुश रह सके, ठीक है, लेकिन वक्त के साथ में चीज़ें बदलती गई, अब इनकी ज़रूरत नहीं है. और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि गोवा एकमात्र ऐसा स्टेट है देश के अंदर जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, ठीक है. गोवा के अंदर वहाँ पर फैमिली कोर्ट है, वहाँ पे फैमिली लॉ है उनके खुद का, ओके, वहाँ पे ये सब कॉमन फैमिली लॉ जिसको अपन कहते हैं, तो वहाँ पे ये जो स्पेशल जो रिलीजन वाले कानून हैं वो वहाँ पे नहीं चलते हैं. ओके तो उम्मीद है आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में नॉलेज हो गई होगी कि कौन से आर्टिकल के अंदर ये मेंशन है और कौन से आर्टिकल से ये मुद्दा उठा है, कौन से केस से ये मुद्दा उठा है, ठीक है. बिल्कुल सही है, एके पांडे जी ने अभी कहा ट्रिपल तलाक, तो ट्रिपल तलाक को क्या अलग से, आपके पास में वाईफाई स्टडी का वीडियो भी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर भी है, आप वहाँ पर जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बूस्टअप कर सकते हैं. ओके तो फ्रेंड्स ये आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा, डेली लाइफ में भी आपके ये जो जीके है बहुत काम आएगी अपार्ट फ्रॉम योर एग्जाम. ओके और एग्जाम में तो आपको एज ए टीज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि 2017 के एसएससी सीजीएल के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि अपने डेली जीके क्लास में से देखने को मिले हैं. So friends, thank you and all the best.